दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज्यादातर एलईडी बॉल सफेद ही कलर का क्यों होता है, या फिर कि अमेरिका के राष्ट्रीय भवन को व्हाइट हाउस क्यों कहा जाता है? अच्छा, ये जानते हैं कि कुत्ते इतना वफादार क्यों होते हैं, और क्या आप ये जानते हैं कि दही खाने से हमारा दिमाग तेज होते हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दुनिया में लगभग हर देश के राष्ट्रपति को रहने के लिए एक आधिकारिक आवास बना होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। बता दें कि व्हाइट हाउस का निर्माण काल 1792 में शुरू हुआ था, जो 1800 तक चला था। व्हाइट हाउस में हर वह सुविधा मौजूद है जो किसी भी ताकतवर देश के पास रहता है। इसमें एक बंकर भी है जो किसी मुसीबत के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने वाशिंगटन डीसी में बहुत से जगहों पर आग लगा दिया था, जिसमें व्हाइट हाउस भी शामिल था। इस आग की वजह से इसकी दीवार की खूबसूरती चली गई थी। इसके बाद इमारत को फिर से आकर्षित बनाने के लिए इसे सफेद रंग से पेंट कर दिया गया। इसके बाद इसे व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। साल 1901 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक रूप से इसका नाम व्हाइट हाउस रख दिया। दोस्तों, यह तो आप जानते होंगे कि कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बता दें कि कुत्ते में भी समान हार्मोन होती है और वे इसी रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं जब मनुष्य इमोशनल स्टेज के दौरान गुजरते हैं। कुत्तों में भी हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, जो मनुष्य में दूसरे के लिए प्यार और स्नेह महसूस कराता है। इसलिए कुत्ते इंसान के प्रति भावनात्मक रूप से वफादार होते हैं और इंसान के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। दही खाने से हमारे दिमाग तेज होते हैं। वैसे लोग जो दिमाग से थोड़े कमजोर हैं, वे दही जरूर खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि दही में एमिनो एसिड होती है, जिससे तनाव दूर होता है और दिमाग के सोचने या समझने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि मानसिक तनाव लोगों को डॉक्टर दही खाने के लिए कहते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि सुपर पावर अमेरिका में आज तो कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, लेकिन भारतीय मूल के कमला हैरिसन कुछ ही दिनों में अमेरिका के नई उप राष्ट्रपति बन जाएगी। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई महिला राजनेता इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाई है। दोस्तों, IPL जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग में से एक है, आपने IPL में शेयर लीडर को तो जरूर देखे होंगे, जो चौके और छक्के पे डांस करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शेयर लीडर हर मैच में लगभग 6000 से 12000 रुपए कमाती हैं, और अगर उनका टीम मैच जीतता है तो 3000 का बोनस भी मिलता है। भारत में कई ऐसी मंदिर है जो अपने आप में बेहद ही अनोखा है। कुछ ऐसा ही अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के मानक में है। दोस्तों, आमतौर पर बाकी मंदिरों में भक्त को प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ या कुछ खाने की चीज मिलती है, लेकिन महालक्ष्मी के इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में गहने मिलते हैं। बता दें कि महालक्ष्मी के इस मंदिर में सालों भर भक्तों की भीड़ रहती है। भक्तजन यहाँ आकर करोड़ों रुपए के जेवर और नगद माँ के चरणों में चढ़ाते हैं। दीपावली के अवसर पर इस मंदिर में धनतेरस से लेकर 5 दिन तक दीप उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंदिर को फूल से नहीं बल्कि भक्त द्वारा चढ़ाए गए गहने और रुपए से सजाया जाता है। दीप उत्सव के दौरान मंदिर में कुबेर का दरबार लगता है। इस दौरान यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में गहने और रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, आज ट्रेन बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। यह जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, यह भारत का पहला ट्रेन है, जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरा बंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर चली थी। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां 12 अंक को अशुभ माना जाता है। स्विट्जरलैंड के स्लोथन शहर में आपको कई ऐसी घड़ी भी देखने को मिलेंगे जिसमें 12 बजते ही नहीं है। वहां के लोग 11 नंबर को इतना शुभ मानते हैं कि 11 जन्मदिन को खास तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो गिफ्ट भी देते हैं वो 11 नंबर से जुड़ा होता है। कितने लोग तो छिपकलियों को घर में देखते ही डर जाते हैं, खासकर लड़कियां। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि छिपकली अपने बचाव करने की एक अनोखी शक्ति होती है। छिपकली अपने पूंछ को अपने शरीर से अलग कर लेती है, और इसी का फायदा तब मिलता है जब कोई दुश्मन उसका पूंछ पकड़ ले तो उस समय पूंछ को अपने शरीर से अलग करके भाग जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके पूंछ फिर से निकल जाते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित दुनिया का दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कनाडा को अगर हम मिनी हिंदुस्तान कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां हर साल 30,000 से भी ज्यादा भारतीय जाकर बस जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग पंजाब के होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा का 40% भाग जंगल है। यहां के जंगल इतने बड़े हैं कि इनमें कई जंगल समा सकते हैं। कनाडा में चूहा पालना बहुत ही मुश्किल काम है। दरअसल कनाडा में जिंदा चूहा को बेचना या मारना गैर कानूनी माना जाता है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज मिलती है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। ऐसे ही साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों का एक सेलफोन जैसा चीज मिली थी। यह सेलफोन चमड़े का बना हुआ था। हैरानी की बात यह है कि कार्बन डेटिंग से जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह सेलफोन करीब 1300 साल पुराना है, जबकि सेलफोन का आविष्कार 80 के दशक में हुआ था।
दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी सरकार ने चांद पर आदमी भेजने में जितना पैसा और समय खर्च किया था, उतना पैसा और समय ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में किया गया था, जिसमें करीब 100 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे। दोस्तों यह तो आप जानते होंगे कि बिना सांस लिए कोई भी जीव या इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन हाल में ही वैज्ञानिकों का एक ऐसा रहस्यमय जीव मिला है जो बिना सांस लिए भी धरती पे जिंदा है। बता दें कि जेलीफिश की तरह दिखाई देने वाला बहुकोशिकीय परजीवी में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम नहीं है। असल में किसी भी जीव को सांस लेने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन इसमें यह नहीं है, जिसकी वजह से इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह परजीवी मछली से ऊर्जा प्राप्त करती है, लेकिन इस दौरान वे उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जिसे जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों यह जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्याज है। आमतौर पे जब भी हम प्याज खरीदने जाते हैं तो एक किलो में कम से कम 6 से 7 प्याज तो होते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा प्याज का वजन 8 किलो से भी ज्यादा है। इस प्याज को इंग्लैंड के रहने वाले पीटर ब्लेसब्रुक ने उगाए थे। इसके चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। प्राचीन काल में दुनिया में बहुत सी ऐसी सभ्यता थी, इनमें से कई तो आज विलुप्त हो चुके हैं। उन्हीं में से एक था माया सभ्यता, जो मैक्सिको का एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता का शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। बता दें कि इस सभ्यता में जो राजगद्दी पे बैठते थे, वो देवी देवताओं को खुश करने के लिए मानव का बलि देते थे। दोस्तों आपने ज्यादातर एलईडी बॉल को सफेद ही कलर का देखा होगा। दरअसल एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और यही रोशनी का प्रमुख स्रोत होता है। बता दें कि एलईडी बॉल को बनाने की शुरुआत 1927 में हो गया था, लेकिन साल 1962 में इसका सफल निर्माण किया गया था। एलईडी बॉल सफेद ही कलर का इसलिए होता है क्योंकि सफेद कलर रोशनी को चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, और सफेद कलर में ज्यादा गहरा परछाई भी नहीं बनता है। इसके अलावा इसका आविष्कार निक होलोनिक जू किए थे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।